Hare Krishna, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरि। भागवत तत्व करेंगे, भागवत तत्व कीर्ति के पट कर नाटक सुरेंद्र ने हरे कृष्ण। सर्वप्रथम सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णु पाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरद में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। आवाज आवश्यक प्रचार आवाज आवश्यक आग्रह थर तो बट ये उसको लगाया था उसमें आवाज आती है। हाँ हरे कृष्ण है उसको जब उसको ले आओ जाओ। हरे कृष्ण हरि बोल। हम लोग आज बड़े सौभाग्य हम लोगों का सौभाग्य का दिन है। कहते श्री जगन्नाथपुरी में ये स्थान का नाम श्री क्षेत्र, श्री क्षेत्र मतलब क्या है, श्री मतलब श्रीमती राधा रानी और क्षेत्र मतलब होता है श्री राधा रानी का जो क्षेत्र है। इसका नाम श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र भी है। पुरुषोत्तम क्षेत्र मतलब पुरुष में जो उत्तम है, इसलिए उत्तम पुरुष कौन है, कहते इत चांस तलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ है। और ये धाम श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र भी है। इसका एक नाम श्री नीलाचल क्षेत्र, मतलब नील मतलब नील, अचल मतलब होता है पर्वत। कहते ये स्थान नील पर्वत के ऊपर में अवस्थित है, इसलिए ये क्षेत्र का नाम श्री नीलाचल क्षेत्र है। और ये क्षेत्र का नाम शंख क्षेत्र। कहते जगन्नाथ पुरी का जो आकार है वो शंख जैसे, इसलिए इसका एक नाम है शंख क्षेत्र। और ये स्थान का नाम पुरी भी है। पुरी मतलब क्या है, बोले सात पुरी है। कहते अयोध्या मथुरा माया काशी कांची और अवंतिया, ये सप्तपुरी में कहते ये पुरी एक पुरी। पुरी मतलब क्या है, पुरी मतलब होता है जहाँ पर ठाकुर जी साक्षात रूप में निवास करते हैं, इसलिए ये स्थान का नाम श्री जगन्नाथ पुरी है। कहते ये पुरी क्षेत्र का इतना महत्व है, जहाँ पर ये श्रीमद् भागवत अनुष्ठान हो रही है, कहते जितने स्वर्ग में देवता लोग कहते जगन्नाथ पुरी में पशु पक्षी कीड़े मकोड़े कुछ भी हो उनको सबके सब उनको भगवान के परिकर रूप में दर्शन करते हैं। कोई इंसान रूप में दर्शन नहीं करते हैं यहाँ पर जो रहते हैं। और भुवनेश्वर से लेकर के यहाँ तक जो एक कदम जब प्यार बढ़ाए एक कदम में कहते हजार अश्वमेध यज्ञ का फल उसको प्राप्त होता है। कहते अगर किसी ने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिया उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन भुवनेश्वर से जब श्री जगन्नाथपुरी का तरफ में एक कदम कोई बढ़ाता है तो उसको हजार हजार उसको अश्वमेध यज्ञ की उसको प्राप्ति होती है। इसलिए श्री जगन्नाथपुरी इसका तो महत्व था ही है, लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए और यहाँ पर लीला विलास की इसका और भी ज्यादा महत्व स्थान का बढ़ गया है। इसलिए कहते श्री जगन्नाथपुरी क्षेत्र में और विशेष करके हम लोग जहाँ बैठ करके कथा कर रहे हैं ये स्थान चक्र क्षेत्र है। ये स्थान ये चक्र तीर्थ ये स्थान है,
यहीं पर ही जगन्नाथ जी जब आए, कैसे आए हैं, बहते बहते दारू ब्रह्म रूप में यहीं पर ही लगा। और यहीं से ही श्री राजा ने ठाकुर जी को सोने की रात में बैठाते हुए कीर्तन करते 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 यहीं से ले गए। और ये जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, फिर ये तीनों मूर्ति को उन्होंने प्रकाशित किया है। और विशेष करके हमारे जो गुरुदेव नित्रिला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज यहीं पर साधन भजन किए। और अंतिम जो उन्होंने नित्रिला में गुरुदेव प्रवेश किए हैं, गुरुदेव इसी स्थान पर, गुरुदेव विप्रलंब स्थान ये स्थान है, यहीं पर उन्होंने अपना नित्रिला में उन्होंने प्रवेश किया है। इसलिए ये जो स्थान हर दृष्टिकोण से ये स्थान अत्यंत अत्यंत पवित्र। फिर ये जो स्थान श्री समुद्र के किनारा है, ये समुद्र क्या है, कहते पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है वो सबके सब जाकर के ये समुद्र में प्रवेश करते हैं। इसलिए ये समुद्र में, और विशेष करके यहाँ पर स्वर्गोद्वार है। स्वर्गोद्वार मतलब क्या है, स्वर्गोद्वार आज के नाम के पास। इसलिए स्वर्गोद्वार का मतलब होता है, अगर यहाँ पर अंतिम संस्कार अगर किसको कराया जाए, कहते उसको कहाँ निवास होता है। साधारण रूप में तो स्वर्ग कहते हैं, लेकिन साधारण रूप में स्वर्ग नहीं, कहते किसी को भी अंतिम संस्कार यहाँ पर कराया जाए तो वो भगवत लोगों को। इसलिए अंतिम समय में वो भगवान को ये गमन करते हैं। इसलिए श्री जगन्नाथ पुरी क्षेत्र का विशेष विशेष महत्व है। इसलिए ये स्थान में भी जैसे श्री वृंदावन में गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधा रमन राधा श्याम सुंदर राधा गोकुलानंद, जैसे वृंदावन धाम में हम दर्शन करते हैं, कहते पुरी में भी ये सारे ठाकुर पुरी में भी विद्यमान। यहाँ पर गोपीनाथ जी कहाँ पर है, इसलिए महाप्रभु गोपीनाथ जी कहाँ प्रकट हुए, तोटा गोपीनाथ, कहते तोटा मतलब कहते बंसी अभिर नसरी बंसी बट है। यहाँ पर मदन मोहन भी है, कहाँ पर, सतासन रोड मदन मोहन है, इसलिए यहाँ उसका अंतिम समय पर गोविंद देव भी है, यहाँ पर राधा गिरधारी भी है, राधा श्याम सुंदर है। इसलिए यहाँ पर सारे तीर्थ श्री जगन्नाथपुरी में सारे तीर्थ विद्यमान। इसलिए एक श्लोक में बताए, कृष्ण वृंदावन में जो लीला करते हैं, कृष्ण द्वारका में जो लीला करते हैं, भगवान राम अयोध्या में जो लीला करते हैं, कहते जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी सब लीला श्री क्या हुआ, इसलिए कहते श्री जगन्नाथपुरी में बैठ करके श्री जगन्नाथ जी सब लीला को श्री जगन्नाथ जी करते हैं। बोले श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, बोले श्री बलदेव प्रभु की, बोले श्री सुभद्रा देवी की, बोले श्री सुदर्शन चक्र की। इसलिए आज हम लोग श्री जगन्नाथपुरी में ये श्रीमद् भागवत कथा हम सप्ताह कथा को आज हम श्रवण करने जा रहे हैं, जिसमें श्री महेश प्रभु जी और श्री सुरेंद्र और श्री एक माता जी का नाम क्या खोल राजबाला देवी और क्या नाम बोलो, जोर से बोलो, और कौन है, रमेश गुप्ता, और कौन है, सुदेश गुप्ता, और उनका बेटा बेटा रमन गुप्ता, जैसे नगर सतेश, हाँ सतेश, हाँ ठीक ठीक। कहते इनकी आत्मा के कल्याण के लिए, और इनके आत्मा को शांति मिले कहीं भी रहो, क्योंकि एक पितर दोष होता है। पितर दोष मतलब होता है, अगर जो हमारे पूर्व पुरुष जो पहले चले गए
अगर वो सुख में नहीं रहते हैं तो ये संसार में शांति सुख जीव को नहीं मिलती है। भले जितने धन दौलत पुत्र परिवार सब कुछ हो लेकिन घर में अशांति रहती है, घर में शांति सुख नहीं रहती। बोले क्यों? बोले हमारे जो पूर्व पुरुष लोग चले गए वो लोग सुखी में नहीं है, लेकिन उनको उधार कैसे होता है? कहिए श्रीमद् भागवत कथा से उनको उधार होता है। इसलिए इन लोगों को कल्याण के लिए, आत्मा को शांति के लिए हम लोग ये श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं। वो कहीं भी हो यहाँ पर आए और ये श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करे, और भागवत कथा श्रवण करते हुए भगवान के चरण में प्रेम भक्ति और उनकी सेवा को ये लोग को प्राप्त करे। श्रीमद् भागवत कथा मृतम की, श्री सचिनंदन गौर हरि की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। एक मिनट कीर्तन कर लेते हैं, कथा सुनिए। जय राधा माधव जय कुंज जय गोपी जन बालक जय गिरिवर धारी जय गोपी जन बालक जय गिरिवर जय गोपी जन बालक जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी नाम पढ़ जय जसोदनंदना जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय जसोदा जीवन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय जामुन किरवन चाही जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय जामुन किरवन चाही राधा बिनद बिहारी जय जामुन किरवन जय जामुन किरवन चारी राधा रमण बिहारी जय राधा माधव जय कुंज Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna,
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 नित्य बोल हरि 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 बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल श्रीमद्भागवत कथामृत की अलगू सपरिकर गौर हरि की प्लस गुरुपाद पद्म की निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण। देखो कति जो ग्रंथ है कति जो श्रीमद्भागवत ग्रंथ ये कोई ग्रंथ नहीं बल्कि ये भगवान स्वयं कृष्ण है। इसलिए बोले बोले कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः कलौ नष्टाद्रि समेश पुराण अर्क धुनादित। बोले जिस समय भगवान कृष्ण ये मर्त्य जगत को छोड़ करके जा रहे थे वहीं पर श्री उद्धव जी थे। उद्धव जी बोले प्रभु आप तो ये संसार छोड़ करके जा रहे हो, आपका विरह में मैं कैसे ये प्राण धारण करूं। कृष्ण ने कहा उद्धव जी तुम कोई चिंता मत करो, मैं एक स्वरूप में तो इसी संसार से जा रहा हूं लेकिन कलियुग में मैं दूसरे स्वरूप में रहूंगा। बोले प्रभु कलियुग में किस रूप में रहोगे। बोले ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है बोले तेन अयंग बांग मई मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि। बोले ये सप्त ब्रह्म रूप में ये कलियुग में मैं निवास करूंगा। इसलिए बोले भगवान के आठ स्वरूप है। कितना स्वरूप है भगवान इसी जगत में आठ रूप में विद्यमान है। कहते ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ किस रूप में बोले ये सप्त ब्रह्म रूप में ये वाणी रूप में। दूसरे रूप में कहते मनमयी जैसे हृदय में ठाकुर जी का हम स्मरण करते हृदय में ये मनमयी। जैसे यहाँ पर ठाकुर जी जैसे अष्ट धातु रूप में विद्यमान है जैसे जगन्नाथ जी दारु ब्रह्म रूप में कहीं ठाकुर जी शिलामय रूप में जैसे यहाँ पर श्री गिरिराज गोवर्धन विद्यमान है ऐसे ही ठाकुर जी अष्ट रूप में विद्यमान है। और विशेष करके कलियुग में भगवान ये वाणी रूप में विद्यमान ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ। इसलिए बताए बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहं। कृष्ण कहते हैं अर्जुन जब जब इस जगत में धर्म की हानि होने लग जाए गो ब्राह्मण साधु संतों के ऊपर में अत्याचार होने लगता है तब तक मैं इस जगत में अवतीर्ण होकर के अपना भक्तों को रक्षा करता हूँ
दुष्टों को विनाश करता हूँ। इसलिए कभी भगवान कभी उन्होंने मत्स्य अवतार रूप में आए, आकर के उन्होंने क्या किया, बोले चार ही वेद को उन्होंने उद्धार किया। कुर्मा अवतार रूप में आए तब उन्होंने किया, कुर्मा अवतार में मंदराचल पर्वत को अपना पृष्ठ गोबर में धारण किया है। जब बरहा रूप में आए, पृथ्वी जब रसातल में चली गई थी, ठाकुर जी बरहा रूप में पृथ्वी को उन्होंने उत्तोलन किया। भगवान नरसिंह रूप में आए और उन्होंने हिरण्यकश्यप को वध करके भक्त प्रहलाद को उन्होंने रक्षा किया है। भगवान वामन रूप में आए, बलि महाराज को ऊपर में कृपा की। भगवान कहते श्री बलराम रूप में आए, भगवान बुद्ध रूप में आए, हिंसा को उन्होंने बंद किया। उसी तरह ये कलयुग में ठाकुर जी किस रूप में आए हैं, कहते कलयुग में भगवान ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में आए, आकर के उन्होंने हम जैसे ये पापियों को और ये अधम जीवों को पर भी कृपा करने के लिए भगवान ये भागवत ग्रंथ रूप में इस जगत में अवतीर्ण हुए। इसलिए कृष्ण ने कहा, हे उद्धव तुम कोई चिंता मत करो, अगर कलयुग में ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को कोई अगर अध्ययन करे, अगर भागवत ग्रंथ को कोई पढ़े तो वो साक्षात भागवत सुनना और मेरे से मिलना कोई ये अलग बात नहीं, सुनना और मिलना वो एक ही बात है। ये कृष्ण स्वयं ये बात को कह रहे हैं। इसलिए ये भागवत की इतना महिमा है, बोले श्रुत अनुपटित ध्यात आदृतवा अनुमोदित सद्य पुनाति सद्धर्मम जानति विश्वद्रोहो अपि। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कितने बड़े से बड़े पापी क्यों नहीं हो जगत, कितने बड़े पापी क्यों नहीं हो, अगर ये श्रीमद् भागवत कथा को अगर कोई श्रवण करे, ये भागवत कथा उसको जरूर कल्याण करेगा। अगर कथा नहीं सुन पा रहा है, अगर कथा को कोई पढ़े तब भी उसका कल्याण होगा। अगर इतना भी नहीं कर पा रहा है, बोले आदृतवा अनुमोदित, अगर कहीं कथा हो रही है, तुम दोनों क्या कर रहे हो, तुम दोनों को पूछेंगे बाद में क्या कथा सुन, इसलिए अगर कहीं कथा हो रही है, इतना अगर किसने बोल दिया भागवत कथा हो रही है, आदृत आदर कर लिया, अनुमोदित कर दिया, भागवत कथा होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी व्यक्ति बोल दिया, बहन घर का काम मैं कर लेती, तू जाकर कथा तू सुन कर कहता, अगर इतना कोई बोल देता है, बोले सद्य पुनाति सद्धर्मम, उसी समय में ही वो व्यक्ति समस्त पाप से मुक्त होकर के अपना आत्मा धर्म में प्रतिष्ठित हो जाता है। कहते वो व्यक्ति कभी देवता को भले ही कोई द्रोह किया होगा, किसने अगर विश्व द्रोह अगर कोई किया होगा, तो बोले सत्य पुनाति सद्धर्मम, कहते उसी समय में ही वो व्यक्ति सारे पाप से मुक्त होकर के भगवत धाम को गमन करता है, अगर किसने इतनी सी बात बोल दिया। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सत्य और सत्य हृदय अवरुद्ध अत्र कृति भी सुश्रुषु भी तत्क्षणात् हैं। अगर कोई सुन लिया तो बड़े भाग्यत है, लेकिन अगर इतना कोई हैं, अगर कोई इतना केवल इच्छा मात्र रख दिया, कथा सुनने जाऊंगा नहीं तो कथा सुनने जाऊंगी, इतना बोलते ही ठाकुर जी उसका हृदय में आकर के ऐसे अवरुद्ध हो जाते हैं, ऐसे बंध जाते हैं, भगवान को उसका हृदय से निकलने का रास्ता नहीं मिलता, केवल सुनने की इच्छा मात्र से ही। इतना महिमा ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ के श्री कलयुग में। इसलिए इस कृत भागवत में ये चार ही अक्षर है, कितना अक्षर है, चार ही अक्षर है, बोले श्रीमद् भागवतम, चार ही अक्षर क्यों, कहते ये चार ही अक्षर में ही ये भागवत का जितना तात्पर्य है, भागवत का महिमा कदी ये चार ही अक्षर में ही विद्यमान है। पहला अक्षर है बोले भा, बोले भा मतलब क्या है, बोले भाति सर्वेषु लोकेषु, केवल हम लोग इसी मर्त्य जगत में ही
ये भागवत कथा सुनते हैं ऐसे बात नहीं, कहते भागवत, ये भागवत को कहते सब लोक में ये विद्यमान, सब लोक में इसकी प्रकाश है, हैं? इसलिए श्री स्वर्गलोक में हैं? कहते स्वर्गलोक में भी ये कथा विद्यमान है, ब्रह्मलोक में भी विद्यमान है, कहते ये कथा, कहते शिव लोक में भी ये कथा विद्यमान है, इसलिए कथा को स्वयं श्री जिस समय से स्कंद पुराण में कथा आती है, श्री उद्धव जी कहते हैं, कहते मेरे गुरु जी मेरे को एक सुंदर कथा सुनाए थे, बोले क्या कथा सुनाए थे, बोले जिस समय भगवान ये विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने सृष्टि की, उन्होंने तीन देवता को उन्होंने सृष्टि किया था, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा जी को बोले तुम सृष्टि का काम करो, शंकर जी को बोले तुम संहार का काम करो, और विष्णु को बोले तुम पालन करो। इतने में ब्रह्मा जी आए, बोले प्रभु ये जो सृष्टि का काम रजोगुण का काम है, ये रजोगुण से मेरे को मुक्ति कैसे मिले, बोले ब्रह्मा जी अगर तुम इसी कलयुग में ये श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन तक सुनोगे, इसकी प्रभाव से ये संसार का सृष्टि भी कर सकते हो और ये रजोगुण से तुमको मुक्ति भी मिलेगी। इतने में स्वयं विष्णु आए, विष्णु आकर के बोले प्रभु आपका आशीर्वाद से ये दुनिया को तो मैं पालन कर सकता हूँ, लेकिन ये लक्ष्मी को कैसे पालन करूं, बोले कोई चिंता मत करो आप भी कथा सुनो और कथा सुनाओ। इसलिए जब श्री नारायण कथा सुनाते हैं वो माँ लक्ष्मी स्वयं बैठ करके ये कथा को श्रवण करती है। नारायण कितना दिन में कथा पूरी करते हैं, कहते नारायण 1 महीना तक ये भागवत कथा को जब कंटिन्यू, जैसे हम लोग कथा सुन रहे हैं ना वो ऐसे कथा नहीं, इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे वो ऐसे नहीं कथा सुना रहे थे, 7 दिन तक खाना बंद, 7 दिन तक हैं सोना बंद, 7 दिन तक जो लघु क्रिया बंद सब बंद है, तब उन्होंने ऐसे ही कथा सुना है, हैं? इसलिए जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बोले 4 दिन बाद में, बोले परीक्षित 4 दिन हो गया, तुमने अभी तक कोई पानी तक भी नहीं पिया, थोड़ा पानी तो पी लो, बोले प्रभु पानी के लिए तो जितना गड़बड़ी हुई है, आप पानी की क्यों बात कर रहे हो, इसलिए आपकी कथा मेरे तो सुन करके, भागवत कथा सुन सुन करके मैं तृप्त हो रहा हूँ, इसलिए पानी की बात मत किया करो, आप कंटिन्यू कथा सुनाते रहो, कंटिन्यू कथा सुनाते रहो, कथा सुन सुन करके और आपकी मुखार बिंदुओं को दर्शन करते 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 इसी में ही मैं आनंद पा रहा हूँ, हैं? इसलिए जब श्री नारायण कथा सुनाते हैं 1 महीना तक कथा सुनाते हैं, लक्ष्मी बैठ कर कथा सुनती है, लेकिन जब लक्ष्मी कथा सुनाती है कभी कथा को 2 महीना में पूरी करते हैं कथा को। इतने में शंकर जी आए, बोले प्रभु आपका आशीर्वाद से ये संसार को तो मैं प्रलय कर सकता हूँ, लेकिन जो ये आत्यंतिक लय है, लय 4 तरह का प्रलय है, तब उसमें जो जिस समय पूरा विश्व ब्रह्मांड ध्वंस हो जाता है, ये आत्यंतिक लय को मैं कैसे करूं, बोले कोई चिंता मत करो आप भी कथा सुनो और कथा सुनाओ। इसलिए जब श्री शंकर जी कथा सुनाते हैं स्वयं पार्वती बैठ करके सुनते हैं, शंकर जी कितना दिन में कथा पूरी करते हैं, कितना दिन में बोलो, शंकर जी कितना दिन लगता है, ब्रह्मा तो 7 दिन में, विष्णु तो 1 महीना, लक्ष्मी 2 महीना में, शंकर जी कितना दिन बोलो। इसलिए जब शंकर जी कथा सुनाते हैं ना कहते उनको पूरी करने के लिए 1 साल लगता है, क्योंकि शंकर जी वैष्णवानाम यथा शंभु, इसलिए भगवान जितनी ये कथा को सुंदर से सुना सकते हैं, क्योंकि भगवान विषय विग्रह है, लेकिन भक्त वो रस को आस्वादन करने वाले भक्त हैं, इसलिए भक्त का हृदय में भक्ति रस भक्तों का हृदय में, इसलिए शंकर जी कहते 1 साल तक कथा को जब सुनाते हैं, 1 साल लगती है कथा को पूरी करने के लिए, लेकिन जब पार्वती कथा सुनाती है शंकर जी बैठ करके सुनते हैं तो वो कितना दिन में पूरी करती है, 2 साल।
क्योंकि ये वैष्णव भी है ना, इसलिए जैसे लक्ष्मी 2 महीना लगती है और शंकर जी को 1 महीना और पार्वती 2 लक्ष्मी 2 महीना, उसी तरह जो वैष्णव देवी कहते पार्वती 2 साल तभी कथा को जब सुनाते हैं कथा को तभी ये पूरी होता है। इसलिए कहते भाव मतलब होता है तुम लोग क्या पसंद करवाते हो स्त्री जैसे, इसलिए कहते भाव, भाव मतलब होता है प्रकाश है, जिनकी प्रकाश कहाँ तक है, जिनकी प्रकाश है बोले जिनकी प्रकाश देवलोक में, जिनकी प्रकाश ब्रह्म लोक में, जिनकी प्रकाश विष्णु लोक में भी जिनकी प्रकाश है। इसलिए पहला अक्षर भा, भाति सर्वेषु लोकेषु बोले ग मतलब क्या है बोले गीयते नारदादि। यदि भागवत को बोलने वाले कौन है, गाने वाले कौन है बोले नारद आदि सुखदेव गोस्वामी। इसलिए गोपियां क्या कहती हैं बोले तब कथा मृताम ताप्त ये बना मेरे रावण मंगल कहती है श्याम सुंदर ये जो श्रीमद् भागवत कथा भगवान की कथा क्या है, ये कथा नहीं कहती ये अमृत है, तब कथा अमृतम और सुनने से क्या होता है बोले तप्त जीवनम, संसार का जो उत्तप्त जीवन वो शांत हो जाता है और कभी भी रीडितम। ये कथा को बड़े बड़े कवि लोग ये कथा को गान करते हैं बोले कौन गान करते हैं, इसलिए इसका नाम है भागवतम। भागवतम का श्री रूप गोस्वामी कहते हैं इसका 3 अर्थ रूप गोस्वामी कहते हैं। पहला अर्थ है बोले भगवत प्रोक्तम इति भागवतम, सर्वप्रथम ये भागवत किसने सुनाया कहते भगवान के मुंह से चतुश्लोक रूप में ये भागवत ग्रंथ प्रकाश हुआ। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी को बोले ब्रह्मा जी बोले ज्ञानमय परम गुह्यम जद विज्ञान समानितम सहारहस्यंच तदगंच गृहाणम गदितम मया। बोले ब्रह्मा जी मैं तुमको अनुभूति को साथ में ये श्रीमद् भागवत कथा में तुमको श्रवण करा रहा हूँ, तुम उसको ग्रहण करो। इसलिए कहते ये कथा को सर्वप्रथम भागवत मतलब जो स्वयं भगवान की मुंह से निकला है, ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ क्या है बोले जिसमें भागवत मतलब जिस ग्रंथ में केवल भगवान की जिसमें कथा है, इसमें और इधर उधर की कोई कथा नहीं। भगवान मत्स्य कुर्म वराह नृसिंह भगवान राम कृष्ण जिनमें केवल भगवत कथा है। और तीसरा अर्थ है इसमें किसकी कथा है कहते भक्त और भगवान दोनों की कथा है, जिसमें ध्रुव प्रह्लाद नारद और श्री सुखदेव गोस्वामी और जिसमें परीक्षित महाराज, जिसमें कहते भरत महाराज अम्बरीश महाराज, जिसमें केवल भागवतों का जिसमें कथा है, इसलिए इसका नाम भागवत। इसलिए भाग ग मतलब होता है गीयते नारद आदि भी भगवान सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी फिर दिया उन्होंने नारद जी को, नारद जी ने दिया व्यास देव को, व्यास देव ने सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित सुत गोस्वामी, फिर सोनकादि ऋषि, फिर इसी परंपरा में ही ये भागवत धीरे धीरे आ रहा है। इसलिए ग मतलब गीयते नारदादि भी बोले ब मतलब बोले वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु, जितने शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ जो ग्रंथ है कभी ये श्रीमद् भागवत है। इसलिए एक श्लोक में बताए
जैसे जब राजा जाता है ना, राजा जाते समय क्या होता है, जैसे उसका मंत्री, उनका सामंत, उनकी कटवाल सबके सब पीछे चलते हैं, हैं? जैसे राजा को सर को ऊपर छत्र धारण करते हैं, उनको कोई चामर व्यंजन करता है, उनको कोई छत्र धारण करते है। उसी तरह जब ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ चलता है, ये भागवत ग्रंथ के ऊपर में जो दूसरे दूसरे जो ग्रंथ है, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, कोई भागवत ग्रंथ के ऊपर कोई छत्र धारण करते हैं, कोई चामर व्यंजन करते हैं, कोई पंखा झुलाते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत ग्रंथ कौन है, ये ग्रंथ सम्राट, कभी भागवत नहीं, कभी ग्रंथ में ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ, ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ श्रीमद् भागवत। बोले श्रीमद् भागवत ग्रंथ की, इसलिए कहते वरिष्ठ सर्व शास्त्रेषु, जितने शास्त्रों में श्रेष्ठ शास्त्र भागवत। इसलिए श्री व्यास देव ने जब उन्होंने सारे ग्रंथों को रचना की, लेकिन मन में शांति नहीं मिल रही। लेकिन शांति कब मिली, जब उन्होंने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिखे। इसलिए बोले तत्र सामृत सतृप्तस्य नान्यतस्याद् रचि क्वचित्। जब ये भागवत कथा अगर कोई श्रवण कर लेना, उनको और किसी शास्त्र सुनने की उनको रुचि नहीं रह जाती। इसलिए बोले अर्थयम् ब्रह्म सूत्राणाम् भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भास्वरूपसो वेदार्थ परिवर्णित। कदे भागवत ग्रंथ नहीं, कदे जितने सारे शास्त्रों का निचोड़ ये भागवत। अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम, ये ब्रह्म सूत्र का अर्थ है, गायत्री का भाष्य है, और महाभारत का ये सार है, और श्री हैं कति गायत्री मंत्र का भी भाष्य कति भागवत है। इसलिए ये इसलिए ब मतलब वरिष्ठ सर्व शास्त्रेषु, और त मतलब बले तरणी च भवार नवा। अगर ये भव सागर से कोई पार होना चाहते हैं, बोले कुछ भी करने का जरूरत नहीं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बोले परीक्षित, तुम्हें कोई भी जाग यज्ञ तपस्या ध्यान कुछ भी तुम्हें करने का जरूरत नहीं, क्या करो, बैठो कथा सुनो। इसलिए भक्ति न कर गाय श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्म दबन न कर का भक्ति है। सर्वप्रथम कौन सा भक्ति, श्रवण भक्ति। इसलिए श्रवण भक्ति का आचार्य कौन है, श्री परीक्षित महाराज। बोले कुछ भी करने का जरूरत नहीं, बैठो कथा सुना। कथा सुनते 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 जब तक तुमको ये अनुभूति नहीं हो जाता है मैं भगवान का धाम में पहुंच गया हूँ, अनुभूति नहीं होता है तब तक मैं नहीं सुनूंगा। जब तुमको पूर्ण विश्वास हो जाएगा अभी मेरे को भगवान मिल ही गए तब मैं छोड़ूंगा। इसलिए उन्होंने कथा सुनते 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 अंतिम समय में उनके लिए गोलोक वृंदावन से विमान आता है, और परीक्षित महाराज बड़े सुंदर एक गोपी मूर्ति धारण करते हुए रथ में बैठते हैं। अब बैठ करके सीधा भूर भुव मोह जन तप सत्य लोक सबके सब पार करते 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 सीधा गोलोक वृंदावन चले जाते हैं। इसलिए जिस चीज को देख करके कहते श्री ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य होते हैं, बोले क्या इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, केवल बैठे और कथा सुने, बैठे और कथा ही तो सुने और तो कुछ किया ही नहीं। और कथा सुनते 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 गोलोक वृंदावन में रथ आया, और उसमें बड़े सुंदर गोपी मूर्ति धारण करते हुए बैठे और सीधा ब्रह्मलोक को पार करते हुए कहाँ चले गए, गोलोक वृंदावन में चले गए। इसको देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा, कहते कथा सुनने का इतना महत्व है। इसलिए ब्रह्मा जी आदेश दिया, क्योंकि उनका बेटा श्री नारद जी है, चतुसन है, ब्रह्मा भी स्वयं महाजन है, बोले एक काम करो आज से ये ब्रह्मलोक में नित्य निरंतर ही भागवत कथा चलते रहे। भागवत कथा कभी बंद नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यू यहाँ पर भागवत कथा होते रहे हैं। इसलिए जब चले गए तब उन्होंने का तराजू लिया, तराजू लेकर के तराजू का एक तरफ में उन्होंने ये जगत का जितने सत्कर्म था, जितने दान पुण्य तीर्थाटन स्वाध्याय यज्ञ
जगत का जितने पुण्य को उन्होंने तराजू के एक तरफ में रखे और तराजू के दूसरे तरफ में उन्होंने क्या रखा, ये भागवत कथा सुनने का महिमा को रखा। उन्होंने देखा जिधर उन्होंने ये भागवत कथा की महिमा को रखा था वो सबके उस तरफ में एकदम जैसे पत्थर जैसे एकदम जमा रहा, और दूसरे तरफ में जितने सत्कर्म था जगत का जितने पुण्य सबके सब हल्का होकर ऊपर उठ गया। परीक्षित महाराज ब्रह्मा जी को पता चला ये भागवत कथा सुनने का जैसे महत्व और कुछ ही नहीं, इसलिए बोले नित्यम भागवत सेवया, इसलिए क्या करो नित्य नित्य ये भागवत कथा को सुनते रहो, हर समय ये भागवत कथा सुनते रहो। इसलिए बोले जिसकी घर में एक श्लोक, बोले एक श्लोक नहीं भागवत का आधी श्लोक, बोले आधी श्लोक नहीं एक चौथाई अगर किसकी घर में रोज पढ़ाई होता है ना, कहते उसको घर में साक्षात श्री राधा कृष्ण का उसी घर में निवास होता है। जिस घर में केवल एक चौथाई श्लोक केवल भागवत की पढ़ाई हो जाए, इसलिए उसको घर में साक्षात श्री राधा कृष्ण का विद्यमान है। इसलिए इतना महत्व, इसलिए भागवत को क्या बताए, बोले निगम कल्प तरुर गलितम फलम, ये भागवत नहीं ये कल्प वृक्ष है, ये कल्प वृक्ष। इसलिए पद्म पुराण में बताए भागवत ये कल्प वृक्ष, जो जो कुछ चाहते हैं कर, जिसकी संतान नहीं अगर ये भागवत कथा सुने, हमें संतान चाहिए उनको संतान मिलता है, जो निर्धन है जिसको पास में धन नहीं, अगर भागवत से अगर मांगे प्रभु हमें धन चाहिए उसको धन दौलत मिलता है, जिसकी घर में दुख कष्ट है उनको शांति नहीं मिल रही है कथा सुने घर में शांति सुख मिलती है, हैं? जिनकी शादी नहीं होती है हमें शादी करा दो उसको शादी, तद ये भागवत को बताया ये कल्प वृक्ष है, क्योंकि ये सब कुछ देती है ऐसे कोई चीज नहीं वो नहीं देती है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं ये वस्तु तो अपने आप मिल जाती है, लेकिन भागवत से ये छोटे मोटे चीजों को नहीं मांगनी चाहिए, ऐसे एक चीज मांगो जो एक चीज मांगो सब कुछ मिल जाएगी। इसलिए बोले अकाम सर्व काम बा मोक्ष काम उदारधि तिप्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषं परम। इसलिए अकाम, अकाम मतलब क्या है, निष्काम हो करके सर्व काम बा सब कुछ कामना को लेकर के जो चाहते हो, मोक्ष काम यहाँ तक भी जन्म मृत्यु की चक्कर से अगर कोई निकलना चाहते हैं, अगर मोक्ष काम चाहते हैं, लेकिन तिप्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषं परम। कति भागवत ग्रंथ सब कुछ देने वाले ये भागवत ग्रंथ है, हैं भागवत ग्रंथ। इसलिए कति ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को कति श्री नारद जी उनने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से श्रवण किया था, लेकिन इन्होंने जो नियमित पूर्वक जो 7 दिन तक कथा इन्होंने श्री किससे सुने नारद जी, कहते उन्होंने से चतुसंग से नारद जी सुने। जब से सुत गोस्वामी ये बात बताए ना, सौनक आदि से लोग प्रश्न करते हैं, कहते नारद जी ये 7 दिन तक चतुसंग से क्यों कथा सुनी, क्या जरूरत था, फिर उन्होंने इसके पूर्व कथा उन्होंने सुनाए जद्यपि उन्होंने ब्रह्मा जी से सुने थे, फिर क्या जरूरत पड़ गई उनको 7 दिन तक उनको कथा सुनने के लिए श्री चतुसंग से, फिर उन्होंने इनकी कथा सुनाए। इसलिए क्या कथा सुनाए हम सुनेंगे, मेरे को भजन गा लो, हाली महल आगे वृंदावन एक भजन सुन जो फटाफट इसको इसको उस तरफ में करता सुन, इसको उस तरफ में करता भजन आदि महिला आदि महिला बनने को लागे बिंदा बनने को आदि महिला लागे बिंदा बनने को सखी मन लाए वृंदावन को आगे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 छोटा बच्चा है ये भागवत की कुछ महिमा सुनाएंगे वंदना बेसी कर उनको टेस्ट गुरुवे गौरचंद्राय श्रीराधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसति श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम उपस्थ विष्णुपाद अष्टोत्तर सहस्रिशन भक्ति वेदन श्री निष्किंचन महाराज भक्त वृंद सचित गुरु ग्रंथ वृंद सबके चरण मध्यम की यथार्थ प्रणाम स्वीकार। तो हम लोग की विशेष सौभाग्य कि श्रीमद भागवत श्रवण का आज हमें सुजोग प्राप्त हुआ है। अभी हम श्री भागवत की महिमा को श्रवण कर रहे थे कि इसका नाम भागवतम क्यों हुआ, लेकिन यद्यपि उनका बहुत कारण है भागवत क्यों हुआ इसके कारण, मगर एक कारण ये बताते हैं कि इधर जो भक्ता है ये भी भागवतम है और ये श्रोता परीक्षित महाराज ये भी भागवतम है। अब भक्ता कौन चलो सुखदेव गोस्वामी महाराज, इसलिए इसका एक कारण है इसको भागवत कहा गया है। भक्ता भागवतम एवं श्रोता भी भागवतम।
बोले भक्त भागवत कैसे, बोले दोनों में बहुत सामंजस्य है। क्या सामंजस्य? बोले ये सुखदेव गोस्वामी पर। बोले कि सुखदेव कौन है? बोले कि साधारण नहीं, बोले क्रीड़ा सुख से वृष भानु जाया, अर्थात इस राधा रानी के ही प्रिय सुख है। इस जगत में ये भागवत धर्म को तथा भागवत को प्रदान करने के लिए वो क्या किए, राधा रानी की आज्ञा से ही धराधाम में आके ये सुखदेव गोस्वामी पाद के रूप में जन्म ग्रहण किए। मगर जब आए ही ये क्या अपनी जो माँ के गर्भ से प्राय गर्भ में ही रहने लगे, बाहर आने नहीं लगे। क्यों? कि उनको डर था अगर बाहर एक बार निकल जाता हूँ, भगवान की जो माया है वो क्या है ना, उसको जया करना साधारण जीव के पक्ष कभी संभव नहीं, और ये माया मुझे स्पर्श ना कर ली इसलिए मातृ गर्भ में ही रहने लगे। तो जब फिर ये उनके मातृ माँ को फिर जब कष्ट हुआ, फिर व्यासदेव गोस्वामी ने क्या किए ना, बोले कि आप बाहर आ जाओ। तो उस समय ये बात को बोले कि अगर मैं बाहर आऊंगा तो ये माया मुझे स्पर्श कर लूंगा, तो मैं बाहर क्यों जाऊं? बोले कि आप चिंता मत करो, मैं क्या करूंगा, मैं आपको ये वचन देता हूं कि कभी आपको माया स्पर्श नहीं करेगा। मगर फिर भी सुखदेव गोस्वामी के अंदर वो शंका आ रहा है। बोले कि अरे भाई आप तो खुद माया द्वारा मोहित हो, और आप कैसी दावे के साथ बता रहे हो कि मैं आपको माया से मुक्त कर दूंगा? वही तो बंधन से मुक्त कर सकता है जो स्वयं बंधन की बंधन युक्त नहीं, जो स्वयं स्वतंत्र है वो तो मुक्त कर सकता है, और आप तो इस संसार चक्र में पड़े हुए हो, तो फिर आप कैसे मुझे ये माया से उद्धार कर दोगे? तो फिर उस समय श्री सुखदेव गोस्वामी को श्री भगवान ने मातृ गर्भ में ही दर्शन देते, बोले मैं ये तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि आपको कदापि ये माया स्पर्श नहीं करेगा। तो फिर सुखदेव गोस्वामी मातृ गर्भ में भगवान को दर्शन करते हुए क्या किए ना, इस धराधाम गिरी प्रकट जन्म लिए, अत्यंत वैराग्यपूर्ण होके क्या किए ना, वन की ओर यात्रा किए। फिर बाद में ये भगवान की नाम रूप गुण लीला चरित्र इत्यादि श्रवण करके भगवान के प्रति आकृष्ट हुए, ब्रह्मज्ञानी होने पर भी ये भागवतों की इतना महत्व है, जिसके कारण क्या किए ना, फिर भगवत भक्ति तथा भगवान की जो भागवत धर्म का ये विशेष प्रचार प्रसार किए। फिर दूसरा श्रोता भागवत, श्रोता भागवत कौन ना श्री परीक्षित महाराज। बोले जब अश्वत्थामा ने ये ब्रह्मास्त्र को प्रयोग किया, किसके प्रति ना, उत्तरा के प्रति, अंतिम ये दायित्व थे पांडवों का, बोले ये अगर नाश हो जाएगा तो पांडव ही निश्चिन्न हो जाएंगे। तो जब उनके गर्भ को कष्ट होने लगा, जब उस समय कृष्ण भी वहां उपस्थित थे, मगर अभी उत्तरा ने बड़ा जोर से भगवान कृष्ण को ही बुलाया और किसी को बुलाया नहीं। तब भगवान पहले ही प्रश्न करे, बोले कि उत्तरा यहाँ में तो एक से बढ़ के एक धनुर्धर है, युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि इत्यादि बड़े बड़े योद्धा हैं, मगर फिर भी अब उनके किसी के आश्रय ग्रहण नहीं किए, बल्कि ये अभी अभी भी महाभारत युद्ध का समापन हुआ है, इसमें ये बहुत पारंगत दिखाए, उसमें बड़ा युद्ध में जो निपुणता था उसको प्रदर्शन किए है, और बहुत सारे शरण भी मारे है, मगर आप पहले ही मेरे शरण में क्यों आ रहे हो? तो उत्तरा बड़ा अच्छे से जवाब दे रहे, बल्कि भगवान ये तो महाभारत युद्ध में एक ही बात एक ही सारी की सारी बहुत सारे सैन्यों को मारे हुए हैं, मगर मारना तो इनका काम है, ये प्रभु किसको जीवन दान दिए नहीं, कभी किसको रक्षा कभी किए नहीं, मगर अभी कभी किसको मारने का अभी ये समय नहीं है, ये अभी गर्भ को रक्षा करने का समय, प्रभु जगत में अगर कोई रक्षा करने वाला है तो वो केवल नहीं केवल आप हो, इसलिए भी रक्षा के समय भगवान आपकी शरणगत हो रहा हूँ, इसको आप रक्षा करो। तो जब उत्तरा के गर्भ से कषण पड़ने लगा तो भगवान ने क्या किए, अपनी जो जितने सारी अमोघ अस्त्र थे सबको ही प्रयोग कर दिए। बोले पहले तो कमल पुष्प को प्रेरण किए, कमल पुष्प के ऊपर वो गर्भ को स्थापन करवाए, फिर क्या किए ना शंख को प्रदान किए, फिर भगवान ने खुद क्या किए ना सुदर्शन को प्रेरण किए, और सुदर्शन की प्रेरण करने के बाद ही भगवान के किए ना अपनी गदा को स्वयं धारण करते हुए क्या उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए, और ये परीक्षित महाराज की रक्षा की। बल्कि यद्यपि भगवान की एक एक अस्त्र अमोघ है, एक बार प्रयोग करने के बाद वो कभी फेल नहीं होता है, फिर भी भगवान ने चारों चारों को एक साथ भेजने के क्या कारण, इसमें क्या बता रहे कि भगवान का भक्ति प्रति कितना प्रीति उसको ये प्रदर्शन कर रहे। भगवान बोले ना अगर किसी कारण ये जो सुदर्शन चक्र है उसी से अगर वो क्या ना ब्रह्मास्त्र भेद करके चला जाएगा
भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं स्वयं गदा लेके उसका प्रहरा दे रहा हूँ कि उसको मैं रक्षा कर लूंगा। तो ऐसे भगवान की प्रीति है और वो उतना भी अत्यंत क्या है ना, धन्य है। किस कारण के लिए बोले कि जगत में ऐसे बहुत सारे माता है, कोई कोई माता तो भक्तों को अपने गर्भ में धारण किया है और कोई कोई माता स्वयं भगवान को धारण की है, मगर एक साथ भक्त और भगवान ये दोनों को अगर कोई धारण करने वाला है तो वो केवल केवल उत्तरा है। और जिस जो प्रकट हुई श्री परीक्षित महाराज उनको निमित्त कारण बना के ये जगत को ये भागवत धर्म तथा भागवत ग्रंथ ही प्रकाशित हुआ, इसलिए ये दोनों भागवत होने के कारण ये क्या है, इस ग्रंथ का नाम है भागवत। फिर ये भागवत की क्या प्रयोजन पड़ा था, वास्तव में भागवत क्यों फिर इस प्रकार सृष्ट हुआ, बोले कि जब श्री कृष्ण ने इस धराधाम से जा रहे थे तो सारे सारे धर्म अर्थ इन सारी सारी को भगवान लेके ही स्वधाम को प्रत्यागमन कर रहे थे, तो भगवान बोले अरे मैं तो चला जाऊंगा और मेरा अनुपस्थित में मेरा अध्यक्षता करने के लिए कोई तो होना चाहिए, तो अध्यक्षता कौन करेगा, बोले देखिए ये भागवत में भगवान की जिसके अंदर राम रूप गुण लीला चरित्र इत्यादि ये भागवत की इस धराधाम में रख दिए, इसलिए कहते हैं कि कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान दिवेश करो नष्ट दृशामेश पुराणार्थ को अधुनदित। भगवान जब स्वधाम को जा रहे थे तो क्या हुआ ना, सारी सारी जगत में अज्ञान अंधकार व्याप्त हो गया, अंधेरा ही छा गया, और उसी अंधेरा को दूर करने के लिए क्या ना पुराण और को अधिनोदित हो, सारी सारी पुराण में जो सूर्य समान है इससे अंदर भागवत उसका प्रकाश हुआ, जिसके किरण से क्या हुआ ना क्लीब धर्म जितने सारी जो कायरता धर्म है और जो वास्तव धर्म नहीं है वो क्या हुआ ना दूरीभूत हो गया, जो वास्तव जो भागवत धर्म जो सनातन धर्म उसका प्रकाशित हुआ तथा और क्या ना जगत में भगवान की जो विशेष जो नाम रूप गुण लीला इत्यादि जो चरित्र ये मधुरमय जो लीला ये क्या हुआ ना ये भागवत की तरह प्रकाशित हुआ। तो फिर ये भागवत की महिमा क्या है और भागवत वर्णन क्या है उसी चीज को बड़ा सुंदर रूप में भागवत की ये दिव्य श्लोक जो वस्तु निर्देश मंगलाचरण में बताते हैं कि वास्तव में ये भागवत में क्या क्या चीज वर्णन है, ये क्यों इतना श्रेष्ठ कहा गया, इसमें ये जो सार अर्थ क्या है, तो उसको बताते हैं कि धर्म प्रोज्जित कैतवत्र परमो निर्म शरणं सतं वेदं वास्तवम अत्र वस्तु सेवदं तापत्र उन्मूलनं। श्रीमद भागवत महामुनि कृते किंबा परेश्वरः सत्यो रुद्धे अवरुद्धते अत्र पृथ्वी सुश्रुषुभिस्तत्क्षणात्। बोले क्या ना धर्म प्रज्जित कैतवत्र, बोले कि जगत में श्री व्यासदेव गोस्वामी बहुत बहुत सारे ग्रंथ को रचना किए, बहुत पुराणों को रचना किए, बोले पहले तो वेद एक ही था क्या ना ऋग्वेद, उसको विशेष रूप में वो क्या किए ना चार भाग में विभाजित किए, फिर उसके बाद क्या ना अष्टादश पुराणों को स्थापन किए, ब्रह्म सूत्र आदि को रचना किए, और इसके बाद भी उनका मन में वो तृप्ति नहीं था, किस कारण के लिए, बल्कि वास्तव में ये क्या कारण है, इतने सारे जो ग्रंथ रचना करने के बाद ही उनका मन में वो विषन्नता था, तो फिर उस समय उनके जो गुरु महाराज व्यासदेव की श्री नारद मुनि आके उस समय उपस्थित होते हैं, बल्कि ये इनका विषमता ही क्या है ना कल्याणप्रद है, क्योंकि साधारण कोई नहीं, भगवान की सत्यावेश अवतार ज्ञान की सत्यावेश अवतार है व्यासदेव गोस्वामी पर, और ये विषम से ही हमारा जो बोडी वैष्णव का दो प्रमुख ग्रंथ जो उत्पन्न हुआ, एक तो ये रामायण विषम से ही उत्पन्न हुआ है और दूसरा ही श्रीमद् भागवत ये मन की विषमता से ही उत्पन्न हुआ, जब श्री नारद मुनि आके देखे तो व्यासदेव के मन बड़ा दुखी हुए विषन्न हुए, तो इसका कारण पूछने लगे, तो जब वो कारण व्यासदेव गोस्वामी बता रहे कि ऐसे ऐसे कि मेरा मन में वो प्रसन्नता नहीं, जो मैं खुद ग्रंथ को रचना किया मुझे ही प्रसन्नता प्रदान नहीं कर रहा है, तो उसका जो पाठ करेगा श्रवण करेगा इसका अध्ययन अध्यापन इत्यादि करेगा तो ये उनको किसे वो प्रसन्नता देगा, तो वास्तवता यही है। तो फिर ये नारद मुनि उनको क्या किए ना भाई भगवान की स्मरण करने के लिए समाधि योग में जाने के लिए उनको जो बुद्धि प्रदान किए, तो फिर व्यासदेव गोस्वामी समाधि योग में भगवान के ध्यान में लगे हुए, तो फिर क्या किए ना
वो भगवान को दर्शन किए तथा केवल केवल भगवान को नहीं, भगवान की सारी सारी पार्षद और मायाश्चित्र उनके जो आश्रित माया को भी दर्शन किए। भगवान को जब दर्शन किए तो फिर क्या हुआ, इस भागवतम का रचना हुआ। तो श्री नारद ने उनको बताया कि हे व्यासदेव गोस्वामी, उस समय देखो मन को इस कारण के लिए सुख आनंद नहीं मिल रहा है क्योंकि वास्तव में जो भगवान का आप लीला गुण रूप इत्यादि का विशेष रूप में वर्णन नहीं किए। अब तो भगवान की तथा ज्ञान कर्म इत्यादि वेद में सारी की सारी ये क्या किए ना वर्णन किए हो, भक्ति को वर्णन किए और विशेष रूप भगवान की लीला को आप वर्णन नहीं किए कि कृष्ण किस प्रकार ब्रज में गोपियों के साथ लीला करते, माखन चोरी करते, किस प्रकार चीर हरण करते, किस प्रकार सर्वशक्ति समर्थ होने पर भी ये नंद बाबा के पादुका को भी अपने शरण उठा कर ले नहीं पाते, बार बार गिर जाते हैं और ये लीला को विशेष रूप में आप वर्णन नहीं किए, इसको वर्णन करो, इसके द्वारा क्या होगा ना आपके मन को ये प्रसन्नता आएगा। बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की, बोले श्री परीक्षित महाराज की, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। एक एक दिन तुम भी थोड़ा कोई टेप लो, टेप तुम भी किस तरह ठीक है सर, रेडी है कुछ भी सर। हरे कृष्णा। हाँ एक मिनट कीर्तन करते थे, हाँ सब लोग ताली बजाते थे कीर्तन करो। बोले जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय राधा रमण हरि गोविंद, जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। इसलिए श्री सनकादि ऋषि लोग प्रश्न करते हैं, हे सुख गोस्वामी ये नारद जी को, ये नारद कैसे हैं? बोले रक्त जोगी वैद्य वाणी। एक स्थान पर ज्यादा समय टिकने वाले नहीं, कितना समय टिकते हैं? बोले एक को दोहन करने के लिए जितने समय लगता है उससे ज्यादा समय कहीं टिकते नहीं। राधा भले तो सुनो, यूट्यूब खोल कर देखो ना, छोटे छोटे पीला 10 वर्ष पीला बता दो तुम तो बूढ़ा है, देख आश्चर्य जो चिता कौचा पागल है जो भले कर सुनो पीला मन करी बोली ध्यान देकर कथा सुनो नोट करो कथा कही हरे कृष्ण। इसलिए वो कहते हैं, कहते नारद जी कैसे हैं? कहते एक जगह पर
यदि गोदहन करने के लिए जितना समय लगता है उससे ज्यादा समय कहीं ये टिकने वाले नहीं है। उस सबको संत बनाने वाले श्री नारद जी। फिर दक्ष प्रजापति अभिशाप दिया। क्या अभिशाप दिया? एक मुहूर्त से ज्यादा समय कहीं तुम टिक नहीं सकते। फिर नारद जी एक जगह पर बैठ करके फिर उन्हें सात सात दिन तक कैसे कथा सुन ली? ये तो बड़ा आश्चर्य है। इसलिए आप कृपा करके ये सब बात को हमें बताओ। तब श्री सुत गोस्वामी कहते हैं एक दिन नारद जी ये मर्त्य जगत में आए, क्योंकि जो मर्त्य जगत है यद्यपि इसको मर्त्य जगत कहते हैं। मर्त्य जगत मतलब सबके सब मरण से भी एक दिन सबको मरना पड़ेगा, लेकिन ये जो भारत भूमि है ये पुण्य भूमि, क्योंकि भारत में गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री है हरिद्वार ऋषिकेश जितने पुण्य तीर्थ आप देखोगे सबके सब ये भारत भूमि है। और जितने भगवान का अवतार है सबके सब भारत है। इसलिए ना भारत भा मतलब प्रकाश, रत मतलब हर समय जो प्रकाश का तरत में रत रहते हैं, ये पुण्य भूमि भारत भूमि। इसलिए एकादशम स्कंध में बताए देवता लोग भी ये भारत भूमि में जन्म लेने के लिए तरसते हैं, प्रार्थना करते हैं हमें ये भारत भूमि में जन्म दो। इतने महत्व ही भारत भूमि। इसलिए नारद जी ये भारत भूमि में आए और उन्हें सर्वत्र परिभ्रमण किया, लेकिन देखा ये कलि युग आ चुका। सब जगह भी ये कलि कहीं नहीं छोड़ा, ये कलि सब जगह पर अपना प्रभुत्व को विस्तार करते हुए बैठा हुआ। गृहस्थी को नहीं छोड़ा, संतों को भी नहीं छोड़ा, तीर्थ स्थान में सारे मुसलमान सबके सब वहां पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। घर बिगाड़े आला है, कहते ये दीवाल बिगाड़े आला और घर बिगाड़े साला है। दीवाल को बिगाड़ने वाले कौन बोला आला, उसमें जो खोप होता है, और घर को बिगाड़ने वाले साला, क्योंकि देखा जितने घर चलता है वो सालाओं का परामर्श से चलता है, हैं? साला जैसे बोलेगा वैसे चलेगा। इसलिए उन्होंने स्त्रियों को देखा, स्त्रियों ने सारे धर्म कर्म को त्याग कर चुके हैं, सबके सब अपना स्त्री लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, कैसे अपना चरित्र को बेच कर बिजनेस कर रहे हैं। देखा स्त्रियों का स्त्री तो नहीं रह गया, पुरुषों का पुरुषत्व तो नहीं रह गया, कोई ब्रह्मचर्य रक्षा नहीं करते, सारा दुनिया पाप 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 उन्होंने दर्शन किया। सोचा भैया वृंदावन धाम तो बाकी भी हर का स्थान कृष्ण लीला स्थली, चलो एक बार हम वृंदावन जाकर के देखते हैं। जब जब उन्होंने वृंदावन में आए, आकर के जब यमुना किनारा में गए, उन्होंने देखा कुछ लोगों के इकट्ठे होते हुए, बोले वृंदावन यमुना किनारा मतलब कोई साधु संग सत्संग होता होगा, लेकिन जब वहां पर गए ना तो सत्संग नहीं होता, रोना धोना लगा हुआ, सब रो रहे हैं। भैया संतों को रोने धोने से क्या मतलब, नारद जी वहां से भगे। लेकिन इतने में वहां पर जो एक बीच में एक सुंदरी जो स्त्री बैठी हुई थी, अगल बगल में कुछ स्त्रियां उनकी सेवा कर रही थी, और बगल में नीचे दो वृद्ध जो लेट हुए थे, उसमें जो एक सुंदरी जो स्त्री बीच में बैठी हुई थी, बोले भो भो साधु कणम तिष्ठ मत चिंता अपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। अरे साधु बाबा वो साधु क्षणम तिष्ठ, आप थोड़ी सी रुक जाओ हैं, इसलिए मेरा जो चिंता का कारण को बताओ, नाश करो, क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। जब साधुओं का कोई दर्शन करते हैं उनका सारे पाप नष्ट हो जाता है। मेरा तो अहो भाग्य था आज नारद जैसे संतों का दर्शन मिला, लेकिन नारद जी आकर जा रहे हैं, इसका रुक जाओ। नारद जी रुक गए, बोले आप कौन हो? बोले अहम भक्ति रीति ख्याता इमाओ में तनयो मतो। बोले मेरी नाम भक्ति है, हैं? इसलिए मेरी नाम भक्ति है, हैं? और मेरे जो ये तो बच्चे देख रहे हो, जगत में नियम होता है, माँ होती है वृद्धा और बच्चे होते हैं जवान, लेकिन मेरी दुर्दशा देखो तो सही, मैया तो जवानी बन करके बैठी हुई और दोनों बेटे कैसे बूढ़े हो गए। इसलिए एक का नाम ज्ञान और एक का नाम वैराग्य। यहाँ पर शिक्षा देते हैं भक्ति के दो बेटे हैं, भक्ति के कितने बेटे हैं? कि दो बेटे होनी चाहिए, हैं? कहते भैया भक्ति की दो बेटे ज्ञान वैराग्य,
कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ज्ञान वैराग्य से भगवान नहीं मिलते, भगवान का भक्त राम ही केवल प्रेम प्यारा, न साध है तमाम जोग, न साध है तपस्त्याग जता भक्ति अमर जिता। भक्ति मेरे को जैसे वसूत करती है, योग ज्ञान मेरे को कोई वसूत कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन भक्ति कहती है मेरे तो बेटे हैं। ज्ञान वैराग्य कहते जो ज्ञान है ये ब्रह्म ज्ञान नहीं, जो जीव ब्रह्म ही को जो ज्ञान है तो चाहते हैं ये सत्ता को ब्रह्म ज्योति में लीन कर रही, ये ज्ञान नहीं, ये ज्ञान भक्ति को पुष्ट करने वाले ज्ञान। जैसे अभी हम कथा सुन रहे हैं ये भी ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान क्या करने वाले, भक्ति के अनुकूल में रह करके भक्ति को मदद करने वाले। इसलिए सिद्धांत बोलिया चिते नाकर अलस जा है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। जो सिद्धांत तत्व दर्शन बामन महाराज कहते थे, बामन गोसाई महाराज, जब तक अपना संप्रदाय का विचार को तुम नहीं समझोगे पर भक्ति टमाटो भक्ति है, वो भक्ति भक्ति नहीं, क्योंकि इधर उधर का कोई बात सुनोगे ना फिर फंस जाओ उधर। कोई ज्ञानी कर्मी बाबा जी आकर के खुद उल्टा पुल्टा बोल दिया, बस भक्ति छोड़कर उधर पर फंस जाओ। इसलिए बामन गोसाई महाराज कहते अपना सिद्धांत को अपना तत्व दर्शन को अच्छे तरह से समझो, नहीं तो भक्ति तुम्हारी डमाडोल भक्ति है, भक्ति तुम्हारी प्योर भक्ति नहीं है। इसलिए ये जो ज्ञान है जो भक्ति को मदद करने वाले, ये जो तत्व ज्ञान है भक्ति को, और जो वैराग्य है कभी वैराग्य फल्गु वैराग्य नहीं, मरकट वैराग्य नहीं, ये प्रसव वैराग्य नहीं, ये स्मशान वैराग्य नहीं, ये वैराग्य कौन सा वैराग्य कभी युक्त वैराग्य है, युक्त वैराग्य, युक्त आहार विहार। इसलिए जो वैराग्य है, वैराग्य मतलब क्या है, मतलब विशेष पूर्वक ठाकुर जी के चरण में अनुराग व प्रेम, यही असली वैराग्य। कभी ये भक्ति की ये दो बेटे हैं, अगर ये बेटे अगर दोनों अगर पुष्ट नहीं हो ना, मतलब अगर तुम्हारे अंदर में तत्व ज्ञान नहीं हो, भगवत संबंध ज्ञान नहीं हो, अगर प्रभु का प्रति प्रेम नहीं हो ना, ये जो भक्ति है रोती रहेगी। मतलब क्या है, भक्ति तुम्हारी बढ़ेगी नहीं, भक्ति रोएगी भक्ति, क्योंकि भक्ति में ताकत है, भक्ति सोती रही है। इसलिए कहते हैं मेरे दोनों बच्चे हैं, लेकिन बोले ये बुरे कैसे हो गए, बोले उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि करना टके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जन्नताम गता। कहते द्रविड़ देश में मेरी जन्म हुई है, उत्पन्ना द्रविड़ साहम वृद्धि कर्नाटक गता, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मेरे को कोई आदर कर्तव्य मिले, लेकिन गुजरात में आकर के वृद्ध हो गई। बोले क्यों, गुजरात में उस समय बड़े नास्तिक लोग रहते थे, कोई तिलक कंठी माला नहीं, किसी घर में तुलसी पूजा नहीं, ठाकुर को पूजा नहीं, सब के सब संतों को हंसी बिलक करने वाले, इसलिए वहां पर आकर के मैं बूढ़ी हो गई। लेकिन वृंदावन संजोगस्य पुनत्वम नवर तरुणी नवा, लेकिन जब वृंदावन में आई है भक्ति नृत्य थी जत्र, जहां पर भक्ति नृत्य करती है, बोले क्यों, वृंदावन धाम किस लिए कारण है, ये वृंदावन धाम ये राधा रानी की हृदय है, वृंदावन जहाँ तुलसी की बहन है, राधा रानी स्वयं अपना हृदय को बिछा करके कृष्ण की सेवा के लिए, और श्री संधिनी शक्ति के प्रकाश धाम बलदेव प्रभु स्वयं के धाम रूप धारण किए हुए, और वृंदा मतलब भक्त वृंद, अवनी मतलब अगर कोई भक्त वहाँ भजन करने के लिए आए, वृंदावन धाम अपना शरण में देती हैं, भक्तों को भजन का मौका देती हैं श्री वृंदावन धाम। बोले श्री वृंदावन धाम की, लेकिन वृंदावन धाम में आकर के मैं तो तरुणी बन गई, लेकिन जो ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। बोले कारण क्यों, बोले वृंदावन में ज्ञान वैराग्य कोई पूछते नहीं, इसलिए वहां पर एक स्थान ज्ञान बुदुड़ी, ज्ञान बुदुड़ी, इसलिए जहाँ पर उद्धव जी ज्ञान को लेकर आए, लेकिन जहाँ पर गोपियों की, इसलिए ज्ञान बजाय डुगडुगी और बाज प्रेम की ढोल, जहाँ पर ज्ञान है उसको बोले क्या डुगडुगी डम्बरू, और वहां पर ढोल के प्रेम के ढोल बज रही हैं, और जहाँ ढोल बजे भैया डम्बरू का आवाज आ रही है वहां तक प्रेम है, इसलिए कोई वैराग्य नहीं करते। कृष्ण का भक्त लोग वैराग्य सखाओ को देखो चकाचक भय, क्यों भगवान को देख रहे प्रसाद रूप में,
और देखो राधा रानी कितने सुंदर सुंदर श्याम सुंदर के लिए कितने प्रसाद सुंदर बनाती है, वहां पर गोपियां श्रृंगार करती है, बोले क्यों श्रृंगार करती है, बड़े सुंदर रूप में कृष्ण देख कर खुश हो, ठाकुर जी देख करके खुश हो, इसलिए श्रृंगार करती है, सखा लोग उनका जो भावना है कारण क्या, सब कृष्ण सेवा के लिए, इसलिए वहां पर ज्ञान वैराग्य कोई स्थान नहीं। मैं तो यहाँ पर वृद्ध हो गई हूँ। नारद जी बोले कोई चिंता मत करो, द्रौपदी के ऊपर में जो कोई विपत्ति पड़ी थी ना, किसने रक्षा किया, ठाकुर जी ने रक्षा किया। दुर्वासा जी के ऊपर में है श्री परिचित श्री अम्बरीश महाराज के ऊपर में जो दुर्वासा ने चक्र को उन्हें कीर्तन निखब किया था, उस समय किसने रक्षा किया, जगन्नाथ ने रक्षा किया। ठाकुर जी को स्मरण करो, उनकी आशीर्वाद से सब दुख तुम्हारी दूर हो जाएगी, चिंता मत करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुम्हारे दो बच्चों को मैं जवानी बना दूंगा। बोले अगर तुम जवानी बना दिया ना, मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ तुम्हारे हृदय छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इसलिए से नारद जी सर्वत्र जा जाकर प्रश्न करते हैं कि ज्ञान वैराग्य को जवानी कैसे करे, लोग जवानी कैसे करे, लेकिन इनका सही सही कोई उत्तर नहीं दे पाए। जब उन्हें बद्रीनाथ में गए, चतुसन ने कहा आप इनको भागवत कथा सुनाओ, ये भागवत से ही इनका ज्ञान वैराग्य जवानी होंगे। क्योंकि आपको पता होगा जिस समय श्री व्यास देव सारे ग्रंथ लिखने का बावजूद भी उनको शांति नहीं मिली, आप ही तो बोले थे ना। बोले हाँ मैं ही बोला था। बोले मैं ही तो बोला था, लेकिन इनको तो मैंने इनको सारे वेद पुराण उपनिषद और ये सारे ब्रह्म सूत्र सब तो मैंने सुना दिया इनको, तभी ज्ञान क्यों नहीं हुई। बोले देखो जैसे आम है, कहते आम कैसे आम होता है, आम कैसे होता है, आम वृक्ष का जो रसी ही एक फल रूप धारण करता है। अगर कोई बोले भैया आम का स्वाद लेना तो उसको टहनियां को चिबाओ, पत्ते को चिबाओ, वो आनंद आएगा नहीं। आम में जो स्वाद है वो आम में ही मिलेगा। उसी तरह ये जो भागवत किया है, निगम कल्प तरुर फलितम फलम वेद रूपी वृक्ष का कल्प वृक्ष का फल ये भागवत है, इसलिए भागवत में जो आनंद वो आनंद कहीं नहीं। बोले ठीक है। बोले ये कथा को आप ही सुना। बोले ठीक है सुनाएंगे। बोले कहाँ पर, बोले श्री हरिद्वार में आनंद नाम घाट पर कथा सुनाएंगे, जहाँ पर कलकल नाद से श्री गंगा देवी प्रवाहित हो रही है, जहाँ पर सुंदर बालुका है, बड़े सुंदर वृक्ष, और उस स्थान में जाते ही अपने आप हृदय परिवर्तन हो जाता है, इसलिए वहीं पर ये कथा सुनाया जाए। बोले वहीं पर क्यों कथा सुनाए, और भी तो स्थान था कि हरिद्वार में क्यों कथा सुनाए। बोले ये जो हरिद्वार है, एक तरफ में उत्तरांचल, एक तरफ में उत्तर प्रदेश। उत्तरांचल क्या है, कहते ऋषि मुनियों का ये स्थान, और उत्तर प्रदेश से क्या, बोले घर गृहस्थी का स्थान। बोले ऐसे एक जगह पर कथा हो जिसका आनंद, जिसका सौभाग्य गृहस्थी और त्यागी दोनों ही वो आनंद ले सके। उदाहरण दिया जैसे दहली में दिया जलाओ, फिर क्या होगा, वो बाहर को भी प्रकाश करेगा और ये अंदर को प्रकाश करेगा, इसलिए वहीं पर कथा सुनाया जाए। ये कथा सारा दुनिया में चली गई, भागवत कथा होगी, चतुर्सन जैसे ब्रह्म ज्ञानी कथा सुनाएंगे आनंद तीर्थ के नाम पर। सर्वप्रथम कौन आए, बोले वैष्णव। बोले क्यों, बोले भागवत किसका धन, पर जत वैष्णव नाम धनम, ये वैष्णव का धन, इसलिए वैष्णव लोग आए। उसको बाद में ब्रह्म लोगों से, मोह लोगों से, फिर देव लोगों से, सबके सब कथा सुनने के लिए आए। उसको बाद में फिर कौन आए, बोले गंगा जमुना सरस्वती मूर्तिमान रूप लेकर के, अयोध्या मथुरा माया मूर्तिमान लेकर के, दंडकारण्य आदि जितना अरण्य वो भी मूर्तिमान रूप में आए, और जो नहीं आए ना अगस्त ऋषि घर घर में गए, घर घर में गए। बोले सुनाए चतुस्थान भागवत कथा कर रहे हरिद्वार में, बड़ी भाग्य से कथा सुनने को मिलता है, हैं जन्मांतर भवत पुण्यम तथा भागवत लभ्यम, करोड़ों करोड़ों जन्म का जो पुण्य उदय होता है तभी ये भागवत कथा सुनने को। चलो सबके सब भागवत कथा सुन, सबके सब कथा सुनने के लिए आए। जब कथा प्रारंभ करने जा रहे थे, इतने में भक्त देवी स्वयं अपना दो बच्चे ज्ञान वैराग्य लेकर प्रस्तुत हुई। बोले मुझे भी कहीं स्थान दो। बोले सभी का हृदय में तुम्हारी स्थान है। फिर तो भक्त देवी सभी के हृदय में बैठी जाती है। भक्त देवी कौन है, वो स्वयं राधा रानी भक्त देवी है।
जो कथा सुनते हैं श्री राधा जी की, सभी के हृदय में ये भक्ति देवी की विद्यमान हो। और अगर भक्ति देवी सभी का हृदय में बैठ गए तो आनंद ही आनंद, सब लोग एकदम प्रसन्न हो गए। और वहां पर जिस समय कथा सुनाने जा रहे थे स्वर्ग से देवता लोग भी धुंधुही नागड़े, और वहां पर शंख निनाद की और भागवत की जयकार दी। बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की जय। जय है, बोलो जोर से बोलो, बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की। वहां जय जयकार हो रहा था। तो वहां सिख्या देते हैं, अगर कहीं भागवत कथा हो ना, यहाँ बहुत कुछ सिख्या देते हैं। कहते वहां पर केवल हम ही बैठ कर कथा सुनते हैं ऐसी बात नहीं, सारे देवता तीर्थ सारे ऋषि मुनि सबके सब बैठते। एक समय को एक कथा सुना रहे थे, एक समय एक संत अच्छे संत थे कथा सुनने के लिए आए। जब कथा सुनने के लिए पंडाल बहुत बड़ा लगा हुआ, लेकिन उन्होंने आकर जो देखा एकदम खचाखच भरा हुआ है। बोले खचाखच क्या भरा हुआ है? बोले ऋषि मुनि देवता सप्तर्षि सबके सब, जहाँ देखा सर्वत्र उन्होंने देखा, सबके सब पंडाल में भरा पड़ा हुआ, सारे को सारे मूर्ति रूप में आकर के बैठे हुए और ये भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। इसलिए बोले सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथाच्युतादर कथा प्रसंग। जहाँ ये भागवत कथा हो पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर आकर के निवास करते हैं। इसलिए जिस समय चतुसन ने ये कथा सुनाई, बोले कथा सुनाने का फल क्या है? कहते कथा सुनाने का फल क्या है? बोले जब कथा का विश्राम हो गई, गोलोक वृंदावन से स्वयं प्रिया प्रियतम राधा कृष्ण जुगल सरकार अपना सखा सखियों को साथ में आ गए। तात्पर्य यही है, कथा का जो रस तात्पर्य है राधा कृष्ण की प्रेम, भगवान की भक्ति प्रेम और भगवत दर्शन ही कथा का परम लाभ है। सख्यात उतर करके आ गए, वहां पर स्वयं अर्जुन आए, नारद जी आए, और श्री हैं वहां पर श्री सबके सब सुखदेव गोस्वामी सबके सब वहां पर प्रकट हुए, और कोई मजीरा कोई मृदंग कोई करताल सबके सब, और बड़े सुंदर कीर्तन हो रहा था। और सुखदेव गोस्वामी क्या कर रहे थे, जैसे जैसे कीर्तन हो रहा था कीर्तन के अनुरूप बड़े सुंदर नृत्य कर रहे थे। और सबके सब बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद बोले गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण नारायणी की जय नारायणी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय जय बनवारी की जय बिहारी की जय बनवारी की जय कुंज बिहारी की जय 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 कुंज बिहारी की जय 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 राधा रानी की जय नारायणी की जय रानी की जय जब कीर्तन कर रहे थे और भागवत कथा की इतना महिमा, कथा सुनने का महिमा क्या है? कहते वहां जितने लोग बैठे हुए थे ना, कहते वहां तक भी जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े थे ये कथा के प्रभाव से उनको भी भवसागर से हैं कि उनको भी संसार समुद्र से वो भी पार होकर के भगवत गति को प्राप्त किया। सब कैसे उद्धार होकर के ठाकुर के पास में चले गए। अरे इसको देख करके नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा, अरे क्या कथा सुनने का इतने महत्व, सबके सब पाप से मुक्त हो गए और सबके सब भगवत लोक को चले गए,
उन्होंने प्रश्न करते हैं बीच में, अगर कोई प्रेत जन्म में पड़ा हुआ हो, बड़ा कष्ट पा रहा है, किसी तरह से उसको उधार नहीं होता है, क्या ये भागवत कथा से उनका भी उधार हो जाएगी? अरे कैसे बेवकूफ जैसी बात करते हो। अरे जब भागवत कथा से साक्षात भगवत दर्शन, जुगल सरकार की परिकर को साथ में दर्शन, फिर भागवत कथा से भगवत भक्ति प्राप्ति, फिर उसको बाद में जन्म मृत्यु का चक्कर से पशु पक्षी तक भी मुक्त हो गए, कहते प्रेत जन्म में पड़ा हुआ उसको भी उद्धार नहीं होगा, उसका भी उद्धार हो जाएगा। फिर उन्होंने आत्मदेव और गोकर्ण धुंधकारी करने कथा सुनाते हैं, कैसे एक आत्मदेव नाम कैसे एक ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के किनारे में निवास करते थे। कहते उनके पास में इस संसार में जो कुछ वस्तु होनी चाहिए एक व्यक्ति के पास में, कहते उनके पास में पूर्ण रूप में सारे वस्तु विद्यमान था। सर्वप्रथम एक व्यक्ति क्या चाहता है, किसी अच्छे कुल से जन्म हो। ये कौन सा कुल में जन्म हो, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में। उसको बाद में क्या चाहते हैं, जो शरीर हमारी सुंदर शरीर हो, बोले द्वितीय इव भास्कर, देखने में कैसे थे, दूसरे ब्रह्म तेज का दूसरे सूरज जैसे थे, शरीर से ज्योति निकलता था। उसको बाद में क्या चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया हो। कहते स्रोत मारते सो विस्नात हो, ये जितने कर्म कांडी है ना, ये कर्म कांडी में एकदम परिपूर्ण कर्म कांडी में एकदम उसमें निष्णात थे। उसको बाद में क्या चाहते हैं, धन दौलत हो, धन दौलत का इतना था जिसका कोई सीमा नहीं, अथा संपत्ति। उसको बाद में क्या चाहते हैं, किसी सुंदर लड़की से शादी हो जाए, इसलिए पत्नी का नाम क्या थी, बोले धुंधुली, बड़ी प्यारी थी, बड़ी सुंदरी थी वो, है बड़ी प्यारी, मतलब इसी जड़ जगत में, हाँ या बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं, इसी जड़ जगत में एक व्यक्ति को पास में जो होनी चाहिए उसको पास में ये परिपूर्ण रूप में सारी वस्तु थी, तब भी शांति नहीं, तब भी मन में शांति नहीं है, बोले क्यों, बड़बड़ा कंजूसी, एक पैसा भी कहीं चले नहीं जाए हाथ में, इसलिए किसी मंदिर में नहीं जाते थे, सत्संग में नहीं, क्यों, अगर जाए तो वहां पर है कहीं पैसा नहीं चले जाए, एक दो रुपया देना नहीं पड़ जाए, हैं, इसलिए इसी डर से किसी सत्संग में नहीं जाते थे, किसी मंदिर में नहीं जाते थे, इसलिए भक्त मन ठाकुर कहते हैं ना, कहते ऐसे एक थे जैव धर्म में सुनाते ना, वो भी ऐसे बड़े कंजूसी, एक पैसा कहीं हाथ से नहीं चले जाए, इसलिए वो भी कहीं नहीं जाते थे, इसलिए उनका धीरे धीरे बेटे को अंदर में गुण आई, फिर बहू को अंदर में गुण आई, और जब शादी हुई फिर ये क्या सोच रहे हैं कि बूढ़े के पास में बहुत सारे पैसा है, हैं, और क्यों, पिताजी बड़े कंजूसी, एक पैसा कहीं देते नहीं, इसलिए नियम है जो हम कमाई करते हैं उसका कुछ अंश कहीं सत्कर्म में लगा, जब अब दोगे ना तब तो पैसा आएगा ना, अगर किसी को नहीं दोगे तो बैंक में बैलेंस रहेगा तब तो पैसा ले सकते हो, अगर दोगे नहीं तो आएगा कहाँ से पैसा, इसलिए देने पर तो पैसा आता है, नहीं देने पर पैसा नहीं आती है, इसलिए देखो टाटा बिरला जो बड़े बड़े लोग है ना, मंदिर धर्मशाला और बड़े बड़े हैं अर्णचत्र खोलते रहते हैं, बोले क्यों, बोले देने पर तभी घर में पैसा तभी आती है, अगर नहीं देंगे तो पैसा की अधिष्ठात्री देवता लक्ष्मी, लक्ष्मी किसकी, लक्ष्मी नारायण की, अगर वो लक्ष्मी नारायण की सेवा में नहीं लगेगी तो फिर लक्ष्मी घर में गड़बड़ी करना शुरू कर देती है, घर में लक्ष्मी उत्पात मचाना शुरू कर देती है, लक्ष्मी घर में शांति सुख नहीं देती है लक्ष्मी, हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की और उनकी सेवा में लगेगी तो घर में शांति सुख देगी, नहीं तो घर में अशांति बनी रहेगी, इसलिए बड़े कंजूसी थे, एक पैसा कहीं दान दक्षिणा में नहीं देते थे, इसलिए धीरे 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 घर में सब कुछ चीज है घर में, लेकिन घर में शांति सुख नहीं, घर में बेटा ही नहीं, इसलिए सोच रहे भविष्य में हमें पिंड कौन देगा, कोई बेटा है ही नहीं, हैं, इसलिए बड़े दुखी, घर में कोई गैया लाए तो भी बांझ हो जाती है, घर में कोई पेड़ लगाए तो पेड़ में फल नहीं होता है, पूर्वजों को कोई चीज दे उनको ऐसे लगता है जैसे कोई गरीबी चीज हमें दे रहा है, क्यों, उनको पता है इसको बाद में और कोई पिंड देने वाले हमें और कोई नहीं, घर में सारे अपशगुन है, कहीं बाहर जाओ
लोग अगर इसका मुंह देख लिया ना, बोले आज हमने क्या बुरा कर्म किया, सगर इसका मुंह देख लिया दिन भर हमें भोजन नहीं मिलेगा, इसलिए उसको पूरा गांव गांव में इसका बदनामी बदनामी। एक दिन ये वो बड़े दुखी होकर के, बोले ऐसे जीवन रखना नहीं रखना बराबर है। एक दिन दुखी होकर के जंगल में गए आत्महत्या करने के लिए, बैठ करके रो रहे थे भगवान ने। जब भगवान किसको पर कृपा करते हैं, कहते दो रूप में आते हैं, कहते एक साधु रूप में नहीं तो एक ब्राह्मण रूप में। मानो आज ठाकुर जी इनको घर में एक साधु बन करके इनको पास में आए, आ करके उनको समझा, भैया क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बोले तो साधु बाबा, मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन केवल एक चीज की कमी है, घर में संतान नहीं। इसलिए संत ने समझा, बोले बेटा संतान से कोई सुखी नहीं, सुखी तो भगवान की भजन से होते हैं। सगर महाराज का नाम सुने कि नहीं? बोले हाँ। बोले उनका कितना बच्चे थे? बोले 10,000। बोले सुख मिला? कपिल मुनि का अभिशाप से सब खत्म हो गए हैं। बोले चित्रकेतु महाराज कितना पत्नी? 1 करोड़। बोले क्यों? संतान नहीं, एक को बाद में एक, एक को बाद में एक शादी करते जा रहे, किससे भी संतान नहीं हुआ, और एक संतान हुआ तो हैं, और जितने सब हैं उनकी सौतली थी भी जहर देकर खत्म कर दी, फिर तो दुखी हो गए। बोले सुख मिला उनको? बोले देख बेटा, संतान से सुख नहीं भजन से। कहते संतान नहीं रहने पर एक दुख, भगवान की भजन करो, और मैं तो तेरे ललाट को देख करके मैं देख रहा हूँ, तेरे एक जन्म की 7 जन्म तक तेरे कोई बच्चा होने वाले नहीं। बोले क्या? एक जीवन में संतान नहीं, इतना दुख, 7 जन्म तक संतान नहीं होगा। बोले आप मेरे ललाट में लिखा हुआ, बोलते तो ललाट को देख रहा हूँ, तो ललाट में लिखा हुआ 7 जन्म तक बच्चा नहीं। बोले आप जब इतने बड़े सब जान सकते हो, उनका चरण में गिर गए। कहते जो ना करे लकड़ी सो करे फकरी, लकड़ी मतलब होता है भाग्य, जो भाग्य में नहीं वो सो करे फकरी, फकरी मतलब साधु। अगर साधु का आशीर्वाद हो जाए ना, असंभव संभव हो जाता है, चरण पकड़ लिए रोने लग गए। इसलिए बाबा कृपा करो, हमें एक संतान दो, एक संतान दो। तो उन्होंने बोली ये तो सुनेगा नहीं, तो जब तक थप्पड़ नहीं लगेगा ना तब तक नहीं मानेगा, ऐसे सुनने वाला नहीं है, थप्पड़ लगनी चाहिए। तब उन्होंने एक पेड़ से फल लिया, दे दिया। तो यहाँ प्रश्न होता है, जब उन्होंने खुद बोल दिए तेरे ललाट में लिखा हुआ 7 जन्म तक बच्चा नहीं, पर उन्होंने फल क्यों दिया? और बोले पत्नी को खिला देना, और पत्नी को बोलना झूठ नहीं करे, बेईमानी नहीं करे, झगड़ा नहीं करे, और उस पत्नी को बड़ा सुंदर बच्चा होगा। बोले 7 जन्म तो पहले बोल दिया, 7 जन्म बच्चा नहीं, पहले फल क्यों दिया? उनको पता था ये फल तो दे रहा हूँ, लेकिन इसका पत्नी को खिलाएगा नहीं, ये पत्नी नहीं खाएगी, कोई फल को कोई दूसरे खाने वाली है, इन्हें घर में बच्चा होने वाले नहीं, इसलिए बात उनको पता था, इसलिए उन्हें फल दिया। लेकिन वो बड़े खुश होकर के आए और पत्नी को फल दिया, बोले संत ने फल दिया, इसको खाओगे तो गर्भधारण करोगी और घर में बच्चा होगा। और चले गए, वो तो नाम ही धुंधली, धुंधली मतलब क्या? ज्ञान अंधकार। वो कहां संतों का आशीर्वाद को, कहां संतों की कृपा को ग्रहण करेगी, तो स्वयं अज्ञान अंधकार, तरह तरह का सोचने लग गए, फल खाऊंगा तो पेट में बच्चा होगा और पेट भारी हो जाएगा, अच्छा बुरा खा नहीं पाऊंगी, अगर इतना कष्ट करके घर में 2-4 चीज इकट्ठा की हुई, अगर कोई डाकू बदमाशी आए तो भागना पड़ेगा, भाग नहीं पाऊंगी, फिर गर्भ में बच्चा होगा तो अरे हमारी ननद आकर के सब ले नहीं जाए घर से, वो तरह तरह से सोचने लग गई। और सुना सुखदेव गोस्वामी 16 साल तक गर्भ में थे, 9 महीना रहे तो पता नहीं क्या होता है, 16 साल रह गया तो इतने तरह तरह से ना वो सोचने लग गई। जब उसकी सहेली आई, उन्हें सारी बात को बताई, बोले कोई चिंता मत करो, मेरे पति घर में कोई बच्चा नहीं, मेरे पति को पास में धन नहीं, तेरे पति को पास में धन, धन दे दो और तू पेट में कपड़ा बांध करके सोते रहो, और ये फल सही ना झूठ गैया को खिला दो। बात उसने ऐसे कर दी। जब उसकी बहन के घर में बच्चा हुई है, उसने छुपा करके दे दी और उसने हल्ला मचा दिया, मेरे घर में तो लाला भयो है। और श्री
आत्मदेव तो खूब नाचे, खूब गाए, खूब खुश हो, लेकिन ये भगवान का देन क्या है? जिस स्त्री को घर में, गर्भ में बच्चा आता है ना, उसकी स्तन में ही दूध उतरती, नहीं तो दूध स्तन में आएगी नहीं, भगवान की देन है। लेकिन इसका तो बच्चा है ही नहीं, बच्चा तो किसी दूसरे के ले आई, उसका स्तन में दूध कहाँ से, स्तन सूखा पड़ा हुआ, उसने अपना पति को पास में गया, बोले स्तन से दूध नहीं उतर रही, बोले भैया मेरे को क्या पता स्त्रियों का क्या होता नहीं होता, बोले मैंने सुना मेरे बहन के घर में कोई बच्चा हुआ है, इसलिए मैं अपना बहनी को बुला दूं, वो पालना कर, बोले कोई बात नहीं, वो मासी हो लगती है ना, माँ जैसी उसको मासी कहते है, बोले कोई बात नहीं, उसको बुला कर ले आओ, अभी जिसका बच्चा वही भरण पोषण कर रही है। लेकिन जो गैया बड़े दिनों से बच्चा नहीं दिया, उसने एक बच्चा जन्म दिया, शरीर तो इंसान जैसे, कान केवल गैया जैसे, सारा दुनिया देखे, बोले भगवान जब देते नहीं, देते नहीं, जब देते हैं छपर फाड़ करके देते हैं, सारा दुनिया देखने के लिए आई। फिर धीरे धीरे दोनों जब बच्चे हुए, नाम संस्कार हुई, नाम संस्कार बड़ा महत्व रखता है, नाम होनी चाहिए पिताजी को साथ में मिलता जुलता हुआ, माँ को साथ में नहीं, नियम है तीन पीढ़ियों को साथ में बच्चा का नाम होनी चाहिए, ऐसे नहीं मुँह में जो आए टुल्लू बुल्लू टिक्की पिंकी जो रख ले है, कत नहीं, बच्चे के ऊपर बड़े दुष्प्रभाव पड़ता है, हैं? इसलिए पहले लोग क्या करते थे, बच्चा का नाम भगवान का नाम पर धराया करते थे, कृष्णा गोविंद दामोदर है, ठाकुर का नाम क्यों, जितना बार बुलाओ मुंह से उतना बार भगवान के नाम निकलेगा, बच्चे को कान में जाएगा, घर में प्रभु का नाम गूंजेगी, और भगवान का नाम मंगल भवन अमंगल हरि भगवान का नाम, इसलिए सब भगवान का नाम पर रखा करते थे। लेकिन उसने किया कि बोले नहीं, मैंने बच्चे को गर्भ में धारण की, मेरे नाम के साथ में मिलती जुलती होनी चाहिए, मेरा नाम धुंधुली और बेटा का नाम होगा धुंधुकारी, वहां सुने ने धुंधु का नाम रख दिया, और दूसरा बच्चे का नाम रख दिया गोकर्ण, लेकिन गोकर्ण पंडित ज्ञानी धुंधुकारी महाकाल, गोकर्ण ठाकुर का कृपा से, संतों की कृपा से बड़ा ज्ञानी हुआ, धुंधुकारी महा बदमाश हुआ, कुत्ते को साथ में रहता है दिन भर, उसको साथ में खेले, उसको साथ में खाए, किसी बच्चे को कुएं के पास में देखते धक्का मार कर गिरा दे, किसके घर में आग लगा दे, शाम होते 10-20 शिकायत, तेरे बेटे ने ऐसे कर दिया, तेरे बेटा ने ऐसे कर दिया, तेरे बेटा ने ऐसे कर दिया। आत्मदेव ने सोचा हे भगवान, ये साधु सही बोल रहा था, बेटे से सुखी नहीं रहोगे, सुखी रहोगे भजन से, बेटा नहीं था एक दुख था, लेकिन अब तो डबल दुख नहीं 10 डबल दुख आ गया, सारा गांव में मेरे जी इतना इज्जत था, पूरा गांव गांव में चर्चा, तुमने सुनी है, जिसको देखो आत्मदेव का बेटा क्या किया, तुमने सुना है, उसी बच्चे को कुएं से गिरा दिया, कुएं में तुमने सुना, दूसरे घर में आग लगा दिया, तुमने देखा वो क्या कर रहा था, पूरा गाँव गाँव में आत्मदेव का नाम बदनामी बदनामी। इसलिए नियम क्या है, भगवान की इच्छा में इच्छा मिला करके रहनी चाहिए, भगवान की इच्छा से विरुद्ध कुछ नहीं करनी चाहिए, शांति नहीं मिलेगा। अगर बच्चे ठाकुर नहीं दिया तो खुश रहो, घर में गोपाल जी को रख लो, ठाकुर जी को रख लो, भगवान को रखो, भगवान को बेटे रूप में मानो, उनको अगर बेटे रूप में मानोगे ना, बस ठाकुर जी अंतिम समय में अपना चरण में स्थान दे देंगे। लेकिन बेटा क्या करेगा, बोलेगा नहीं अंतिम समय में ये हमें तो श्राद्ध पिंड देगा, हाँ यही से पिंड देगा ना, दुष्ट बना तो बस पूरा संपत्ति को सब सत्यानाश कर जाएगा, दारू पी करके, सिगरेट फूंक करके, जुआ खेल करके, सारे संपत्ति को पिता माता जितना कमा कर जाएंगे सब धूलिसात कर देता है, बदनाम कर देता है। इसलिए बड़े दुखी दुखी हो गया, और उसने गोकर्ण के पास में गया, और गोकर्ण जो ज्ञान की बात बताई, वो 3-4 श्लोक तुम लोग याद कर लेना, क्या श्लोक बताए, बोले पिताजी न चंद्रस्य सुखम नास्ति न सुखम चक्रवर्तिना सुखं मस्ति विरक्तस्य मुने रेकांत जीवनम्। पिताजी स्वर्ग का इंद्र कोई सोचे इंद्र बन जाए, पूछो स्वर्ग के इंद्र में सुखी हो, कोई थोड़ा भजन करना शुरू कर दे उसका आसन पहले थरथर कांपना शुरू हो जाता है, कितना बार सुअर बना कहां स्वर्ग छोड़ कहां भक्त रहे। बोले पिताजी स्वर्ग का सुख नहीं, न सुखम चक्रवर्ती नाम, चक्रवर्ती राजा भी सुखी नहीं, मोदी को पूछ लो अभी जो करुणा आया है सुखी है, कितना चिंता कितना टेंशन,
क्या अमेरिका का जो राष्ट्रपति का नाम क्या है, ट्रम्प, उसको पूछ लो, सुखी हो तुम? चाइना का प्राइम मिनिस्टर जो सुखी हो? कोई सुखी नहीं, न सुखम चक्रवर्ती, ना चक्रवर्ती राजा भी सुखी नहीं। बोले पिताजी एक व्यक्ति सुखी है, मुने हैं, जो भगवान को मनन करने वाले, भगवान की शरण में जाए, भगवान की भक्ति करे, पिताजी केवल वही सुखी। असार खल संसार दुख हर भी विमोह को, ये संसार ही असार है, ये दुख का घर है, जिसने बनाया संसार स्वयं कहता है दुखालयम असाश्वतम। ये संसार में सारी नश्वर, ये दुख का घर है, इसलिए पिताजी देह अस्ति मांस रुधिरे भिमत्ति तेजतम, इस शरीर किस चीज में बनी हुई, टाटी पेशाब खून पीक से बनी हुई, इसका प्रति आसक्ति को छोड़ो, छोड़कर क्या करो, कृष्ण कथा रस मुख पीवतम निरंतम, कृष्ण भक्ति रस को पान करो, और भगवान की सेवा स्व साधु पुरुषम जय काम तृष्णा, साधुओं को सेवा करो, भक्तों की सेवा करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान के नाम लो, इसी से ही पिताजी शांति मिलोगे। फिर उन्हें सब छोड़ करके चले गए, पास भजन करके जीवन को धन्य बना दिया। घर में रह गए कौन, बेटा माँ रह गए, माँ को तो फिर खूब पीटे, बोलो पिताजी कहाँ पैसा रख कर गए, माँ से खाऊंगा जुआ खेलूंगा, मैया सोचे कौन सा डाकू का मैंने पाल लिया, मैंने क्यों दूसरे बच्चे को मैंने लिया है, दूसरे बच्चे को मैंने क्यों लिया, बड़ी दुखी दुखी हो गई, वो भी कुएं में आत्महत्या की, छह छह बच्चियां को घर में ला कर रखा, कोई बोले साड़ी दो, कोई बोले सुनो दो, कोई बोले हमें गहना दो, कोई बोले लिपस्टिक दो, हैं? एक पत्नी को जो पालना करते उनको पता होगा, और जिसका छह छह पत्नियों के बेस्या फेरे हुई, कहते हमारे पास में भी सब बेस्या है, चक्षु कर्ण नासिका दिवा त्वचा, इसलिए भागवत में क्या बोले, असति दाग दुरी गये वसुच नचो उपगायन्ति गुरु गायक क्या था, हाँ कहते यहाँ पर कह रहे हो बेस्या कौन है, जीवा असति, असति मतलब जो सत्य नहीं, बेस्या जिसका जीवा भगवान का कीर्तन नहीं करता है वो जीवा बेस्या है, जिनके कान में कृष्ण कथा नहीं जाती है वो बेस्या है, जिनके आंखों में भगवत दर्शन नहीं करते बेस्या है, जिनका जीवा नासिका में भगवत चरण तुलच नहीं कर बेस्या, बेस्या किसको कहते हैं, जो अपना पति को छोड़कर दूसरे पुरुष को पास में रहे वो बेस्या है। इसलिए कहते हमारी जितनी इंद्रिया, हमारे प्रभु कौन, बोले भगवान है, अगर ये इंद्रिया भगवत सेवा छोड़ करके अगर और कोई चीज में जाए कहते बेस्या, इसलिए हमारी भी छह छह बेस्या, जो भक्ति नहीं करते उनको भी छह छह बेस्या है। एक दिन राज दरबार में डाकू डाला, बहुत पैसा को लूट करके लाए, बेस्या ने देखा सबर लगते सियाइट लग जाएंगे, पकड़ गए तो जेल जाएंगे, रात रात मार डालो, दोनों पत्नी दोनों गले में रस्सी लगाई, दो पत्नी दोनों हाथ पकड़ लिए और दो उनका प्यार पकड़ लिए और उनको गले में रस्सी डाल कर खूब कोशिश किए मारने के लिए, मरा नहीं तो मुंह में अंगार डाल करके ठोस ठोस करके पूरी तरह का मारे और घर में गाड़ कर चले गए प्रेत। कुछ दिन बाद में गोकर्ण घर में आया तो कभी बाघ बन करके, कभी हाथी बन करके, कभी घोड़े बन करके, कभी बिल्ली बन करके डराते हैं। तो उन्होंने पूछा भैया तुम कौन हो, लेकिन बोल नहीं पा रहा है, तो उन्होंने मंत्र पुत्र करके पानी लेकर के जब उनको छिड़काव करवाया, थोड़ी सी पाप दूर हुआ तो बोले अहम भात भ्राता तो अस्मिन धुंधकारी इति नामन, भैया मैं तेरे भैया धुंधकारी हूँ, बोले तेरे नाम पर गया मैं पिट दिया मुक्ति नहीं मिली, बोले मैंने इतना पाप किया सौ बार भी पिंड तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो उन्हें दूसरे दिन सूर्य को प्रश्न किया, सूर्य देवता बोले भागवत सुनाओ, तो उन्होंने गांव के लोग को बुला करके सात गांठ का बांस गाड़ दी, पहला दिन प्रथमा गांठ, दूसरे दिन दूसरे, तीसरे दिन तीसरे, सात गांठ। सात गांठ मतलब क्या है, कहते जो संसार है ना, भूर भूप मोह जन तप सत्य एक है, दूसरा है ये जो संसार में सात तरह का जीव आसक्ति में पड़ा, अहंता ममता द्वेष तरह तरह का, इस सात तरह का आसक्त में जी पड़ा हुआ है, इसलिए ये सात गांठ फट गई। ऐर श्री धुंधुकारी बड़े सुंदर चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हुए, वैकुंठ से विमान आया, बैठ करके वे जब जा रहे थे, इतने में गोकर्ण ने प्रश्न किया, यहाँ तो सुनने वाले बहुत है, एक ही रथ क्यों आए, बोले यहाँ पर इसलिए रथ लाए, यहाँ पर जो कथा जो श्रवण कर रहे हैं, इसलिए श्रवणम कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम, कथा तो सुने
लेकिन जीवन में कोई आचरण नहीं किया, उसका कोई मनन नहीं किया, इसलिए कथा के फल नहीं मिले। इसलिए कथा कैसे सुननी चाहिए, उसे बताया ना, लय विक्षेप अप्रतिपत्ति कसाई और रसास्वाद। कहते भजन में अगर ये पांच दोष रहे ना, कथा सुनने पर भी कथा फल नहीं मिलेगा है। इसलिए ये पांच दोष जब मुक्त हो जाएंगे है, लय मतलब होता है सोना, विक्षेप मतलब क्या है, विक्षेप मतलब होता है जैसे भजन कर रहे हैं सब ठीक ठाक है, माला कर रहे हैं लेकिन मन ही नहीं लगता, कब खत्म हो, माला खत्म नहीं हो रहा है, अभी तक भी खत्म नहीं है सर, यहाँ पर सब प्रसाद ठंडा होते जा रहे हैं, माला खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए घड़ी को बार-बार देख रहे हैं कि कब खत्म होगा ये घड़ी चल क्यों नहीं रहे, बंद क्यों हो गया, इसलिए इसे बताए कभी सब दोष है ना, रसास्वाद हरिनाम कर रहे हैं लेकिन मन अपने आप कहीं कहा, कहीं सिनेमा हॉल में चला गया, नहीं तो किसी गोल गोपे की दुकान में चला गया मन, लेकिन यहाँ पर हाथ भी चल रहा है मुंह भी चल रहा है, लेकिन अगर ये दोष रहेगा ना, भजन करने पर भी कथा में बैठने पर भी फल नहीं मिलेगा, बोले देखने के लिए तो बैठे हैं सबके सब, लेकिन मन देखकर कोई कथा नहीं सुने इसलिए फल नहीं मिला। फिर तो उन्होंने सबको बोले देखो केवल सात दिन, ज्यादा दिन नहीं, सात दिन अगर मन लगा कर कथा सुनेंगे सभी के लिए अभिमान आएगा, हम सबके सब भगवत लोक में जाएंगे, कल से और एक बार कथा सुनाएंगे, सब टाइम से आना, सबके सब टाइम से आए, एक मन से सबके सब कथा सुनी, कथा विश्राम जब हुई कुल वृंदावन से रथ आया और जितने लोग बैठे हुए थे सबके सब भगवत लोक को गमन किए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री मद भागवत कथा मृतम की, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की, बोले श्री परीक्षित महाराज की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हाँ हरे कृष्णा। हाँ देखो ये कथा में हमारी एक दीदी सीमा दीदी है, हैं सीमा दीदी, कहते उनका एक भैया है, कहते श्री महेश कुमार, महेश कुमार है ना, हाँ महेश कुमार है, और उनकी जो भैया का क्या है सुरेंद्र चंद्र, और उनको पिताजी और राजबाला देवी उनको माताजी, इसलिए इनकी आत्मा को शांति के लिए और इनको शांति मिले और इनको भगवान की चरण में भक्ति हो हैं, इसलिए पूर्वजों को शांति मिले, इसलिए सीमा दीदी इसे इनके उद्देश्य में ये भागवत कथा जगन्नाथपुरी में करवा रहे हैं, और एक ग्रेटर नोएडा में माता जी शुक्ला श्री, और ऑस्ट्रेलिया से श्री देवराज गुप्ता, रमेश गुप्ता, श्रीमती सुदेश गुप्ता, रमन गुप्ता, इसलिए इन लोग भी बोले आप भी हमारे पूर्वजों का फट रख लो, उनका भी शांति सुख मिले, इसलिए भगवान ये सबको शांति सुख दे और इनको भगवान की भक्ति और प्रेम मिले। श्रीमद भागवत कथा मृतम की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, जय गौर भगवान हरे को, जय गौर भगवान हरे, जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे। अरे ये तो हो नहीं जाएगा, हो जाएगा कोड लग जाएगा, लगे बाहर ये बजाओ बजाओ बोला किसने जोड़ा अपने बुक कौन करता Yeah.
बैठा दिया है।
Thank you.
Thank you.
जय मरुभूमि।